हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से सिकंदर लोधी के विषय में बात करूँगी। सिकंदर लोधी के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं तो इनका जो शासन रहा था वह दिल्ली सल्तनत काल में महत्वपूर्ण रहा था। यदि यहाँ पे सिकंदर लोधी के विषय में हम और अधिक बात करते हैं तो लोधी वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से था, जिसके कार्यकाल में हमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है साहित्यिक क्षेत्र में भी और प्रशासनिक क्षेत्र में भी। अब यहाँ पे सर्वप्रथम मैं आप लोगों से बात करूँगी कि सिकंदर लोधी का प्रारंभिक जीवन जो था वह कैसा रहा था। सिकंदर लोधी के संदर्भ में इतिहास के पन्नों का जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि सिकंदर लोधी लोधी वंश के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा सम्राट रहा था। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम जो था वह निजाम खां था तथा उसकी माता जो थी वो एक हिंदू सुनार की पुत्री जेबद थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम आगे बात करते हैं तो सिकंदर लोधी के विषय में हमें यहाँ पे ये ज्ञात होता है कि उनके द्वारा योग्यता के आधार पर तथा उनके कुशलता को देखते हुए बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु से पहले ही सिकंदर लोधी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। जब बहलोल लोधी की मृत्यु हुई थी तब उसकी मृत्यु के पश्चात सिकंदर लोधी 16 जुलाई 1489 को सिंहासन पर बैठा था। यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करते हैं सिकंदर लोधी के विषय में और उनके व्यक्तित्व के विषय में तो हमें यह जानकारी मिलती है कि सिकंदर लोधी एक खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक थे। कहा यह जाता है कि सिकंदर शाह की खूबसूरती देखकर उसके कई सरदार उसके आशिक बन गए थे। यहाँ तक कि सिकंदर शाह के एक उस्ताद ने सिकंदर से प्रेम निवेदन तक कर डाला था, जिसके कारण उसे मौत की सजा सुना दी गई थी। यहाँ पे अगर सिकंदर लोधी के एक शासक के तौर पे हम बात करते हैं या उनकी शिक्षा के विषय में हम बात करते हैं तो यहाँ हमें यह देखने को मिलता है कि सिकंदर शाह एक योग्य और कट्टर मुस्लिम शासक रहे थे। सिकंदर शाह एक शासक होने के साथ साथ एक काफ़ी पढ़े लिखे इंसान भी थे और उसने गुलरुख के उपनाम से कई कविताओं का सृजन भी किया था। सिकंदर लोधी के उत्तराधिकार की घोषणा यद्यपि उनके पिता के द्वारा ही कर दी गई थी। जब सुल्तान सिकंदर लोधी बने उस समय उन्हें कई कठिनाइयों और परेशानी का सामना भी करना पड़ा था, किंतु जब बहलोल लोधी की मृत्यु हुई तो सिकंदर शाह के सुल्तान बनने में सबसे अधिक कठिनाई और परेशानी का कारण था उसके बड़े भाई बारबाक शाह, जो उस समय जौनपुर का शासक रहा था, उसके द्वारा पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर अपना दावा भी किया गया था। यहाँ पे आगे यदि हम और बात करते हैं सिकंदर लोधी के विषय में तो हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर सिकंदर लोधी ने अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक प्रतिनिधि मंडल को बारबाक शाह के पास भेजा था, जिसने उत्तराधिकार के इस विवाद को सुलझा दिया था, जिसके कारण दोनों भाइयों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। वास्तव में जब हम बहलोल लोधी के निधन के विषय में बात करते हैं या जब उनका निधन हुआ था तो उस समय उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी आमिर वर्ग जो रहा था वह दो वर्गों में विभाजित नजर आता है, जिनमें एक वर्ग बारबाक शाह का समर्थन कर रहा था और उसे गद्दी पर बिठाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर निजाम खां को गद्दी पर बैठाना चाहता था। तो यहाँ पे यह समझा जा सकता है कि जो आमिर वर्ग के जो लोग थे वो दो वर्गों में विभाजित थे, जिसमें से एक वर्ग जो था वो बारबाक शाह का समर्थन कर रहा था और दूसरा वर्ग सिकंदर लोधी का समर्थन कर रहा था। सिकंदर लोधी ने इस उत्तराधिकार के प्रश्न को हल करते हुए अपनी शासकीय प्रबंध कुशलता का परिचय भी दिया था। सिकंदर लोधी जब सिंहासन पर बैठा था तो उस समय उसे अपने चाचा आलम खां का विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था। आलम खां रापड़ी का शासक था। सिकंदर लोधी ने एक सैन्य दल के साथ रापड़ी पर आक्रमण भी कर दिया था। आलम खां इस आक्रमण से भयभीत होकर ईसा खां के पास शरण में चले गए थे और क्योंकि ईसा खान जो है उसने यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया था उसके चाचा आलम खां पर, इसलिए उसने ईसा खान पर भी आक्रमण कर दिया था। ईसा खान एक योद्धा का हैसियत रखता था और उस समय पटियाली का शासन व्यवस्था इसके हाथों में रहा था। इस स्थिति को देखते हुए सिकंदर लोधी ने बुद्धिमत्ता से निर्णय लेते हुए
आलम खां से दोस्ती कायम कर ली और उसे इटावा का शासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद सिकंदर लोदी ने ईसा खां पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। इस युद्ध में ईसा खां घायल हो गया, जिसके कारण जल्द ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे यहाँ पे जब हम बात करते हैं सिकंदर लोदी के विषय में और उनके जो संबंध रहे थे उनके बड़े भाई के साथ में, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि सिकंदर लोदी को बहलोल लोदी ने अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया था, किंतु इस उत्तराधिकार के प्रश्न पर सिकंदर लोदी और उसके बड़े भाई बारबाक शाह के मध्य मतभेद रहा था। और यही कारण है कि सिकंदर लोदी ने सिंहासन पर बैठने के साथ ही साथ आमिरों पर भी नियंत्रण कायम करना प्रारंभ कर दिया था। इसके पश्चात हमें यह देखने को मिलता है कि बारबाक शाह के पास यह संदेश भेजा गया कि सिकंदर लोदी को सुल्तान के रूप में मान्यता दे दी जाए, किंतु बारबाक शाह ने इस आग्रह को ठुकरा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सिकंदर लोदी सेना के साथ आगे बढ़ा तथा जौनपुर पहुंच गया था, जहां बारबाक शाह की सेना और सिकंदर लोदी की सेना में युद्ध हुआ, जिसमें बारबाक शाह को पराजित होना पड़ा था। अब यदि हम और चर्चा करते हैं बारबाक शाह के विषय में, तो यहाँ युद्ध में पराजित होने के बाद बारबाक शाह ने समर्पण कर दिया था, किंतु सिकंदर लोदी ने अपने भाई के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार का परिचय देते हुए उसे पुनः जौनपुर का शासक घोषित कर दिया था। लेकिन कालांतर में बारबाक शाह की अयोग्यता देखते हुए उसे कारागार में डाल दिया गया था। आगे हम आप यदि बात करते हैं सिकंदर लोदी के साम्राज्य विस्तार के विषय में और शासन प्रबंध के विषय में, तो यहाँ हमें यह देखने को मिलता है कि शासन प्रबंध की व्यवस्था के हित में कालपी पर आक्रमण कर उसने अपने अधीन कर लिया था। ग्वालियर के राजा को युद्ध में पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया था और इसके बाद बयाना में विद्रोहियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसे कुचल डाला गया था। आगे यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा विद्रोह सिकंदर लोदी के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है वह है जौनपुर के जमींदारों का विद्रोह। और यहाँ पे यदि हम इसके विषय में बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि सिकंदर लोदी ने अपने बड़े भाई बारबाक शाह को जौनपुर का शासक बनाने का जो निर्णय लिया था उससे जौनपुर के जमींदार सहमत नहीं रहे थे, और यही कारण है कि वहाँ के जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। और जमींदारों के विद्रोह को बारबाक शाह के द्वारा नहीं दबाया जा सका, जिसके कारण सिकंदर लोदी स्वयं जौनपुर पहुंचा और विद्रोहियों का दमन कर दिया। किंतु जैसे ही सिकंदर लोदी जौनपुर के पास होने के लिए वापस होने के लिए प्रस्थान किया, जमींदारों ने पुनः विद्रोह कर दिया। सिकंदर लोदी ने अंत में बनारस के निकट निर्णायक युद्ध में विद्रोहियों का दमन कर दिया था। आगे यहाँ पे हम चर्चा यदि करते हैं सिकंदर लोदी के शासन काल में अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ में उसके क्या संबंध रहे थे, तो हम यहाँ पे यह देखते हैं कि सिकंदर लोदी के द्वारा बिहार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था, जिसके कारण बंगाल के जो शासक रहे थे अलाउद्दीन हुसैन शाह लोदी से नाराज हो गया था। किंतु सिकंदर लोदी ने यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अलाउद्दीन हुसैन के साथ एक समझौता कर लिया, जिस समझौते के अधीन यह निश्चित हुआ कि दोनों राजा एक दूसरे के राज्य की सीमाओं में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इस समझौते के साथ में एक प्रकार से कहा जा सकता है कि सिकंदर लोदी ने अपने जो साम्राज्य को जो है वहाँ पर अभी स्थापित करने के लिए बंगाल के शासक के साथ में समझौता कर लिया था। आगे यदि यहाँ पे हम आमिरों की शक्ति और इसके महत्व के विषय में बात करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय में आमिर वर्ग जो है वो शक्तिशाली वर्ग भी रहा था, और सिकंदर लोदी के द्वारा यह प्रयास किया गया था कि जब वह सिंहासन पर अपने आप को स्थापित करेगा उस समय से ही उसे आमिर लोगों के षड्यंत्र और नाराजगी का सामना करना पड़ेगा तथा उसे किस प्रकार से इस स्थिति को हैंडल करना हो या इसे निपटना हो इसके विषय में वो पहले से ही अपनी एक राय बना के रखा हुआ था, जिसके कारण सिकंदर लोदी ने इन आमिरों की शक्ति और महत्व में कमी लाने का प्रयास भी किया था। सर्वप्रथम सिकंदर लोदी ने जितने भी आमिर थे उन पर नियंत्रण कायम करने के लिए उनसे उनके आय और व्यय का हिसाब के संदर्भ में जानकारी देने को कहा, तथा जो आमिर आय और व्यय का सही सही हिसाब देने में असफल हुए
उन्हें सिकंदर लोदी ने कठोर दंड भी दिया था। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि सुल्तान के फरमान के विषय में। सिकंदर लोदी ने आमिरों की शक्ति को कम करने के लिए स्वयं के द्वारा आमिरों पर फरमान निर्गत करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर लोदी की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं होने पर भी आमिरों के लिए आवश्यक हो गया कि वह सुल्तान के फरमान को माने। आमिरों की हैसियत को कम करने के लिए सिकंदर लोदी ने इन फरमानों के संदर्भ में यह व्यवस्था कायम की कि यह फरमान आम सभा में सभी लोगों के समक्ष जोर जोर से पढ़ा जाए, जिन्हें आम सभा में उपस्थित सभी लोगों को खड़े होकर इन फरमानों को सुनना पड़ता था। यहाँ पे नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि जो ग्वालियर पर आक्रमण किया गया था सिकंदर लोदी के शासनकाल के समय में, और यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो सिकंदर लोदी के द्वारा ग्वालियर पर भी आक्रमण किया गया था, जिसमें उसे प्रारंभिक लड़ाई में ग्वालियर के नज़दीक स्थित नरवर जैसे छोटे भूभाग में स्थित नरवर किले के लिए 11 महीने तक इंतजार करना पड़ा था। जब 11 महीनों के बाद नरवर जिले में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो सिकंदर लोदी के हाथों से इस नरवर किले को सौंप दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद ही जब सिकंदर ने ग्वालियर पर आक्रमण किया तो महाराजा मान सिंह और उनकी पत्नी मृगनयनी के ने युद्ध में उसे हरा दिया था। अपने इस विजय अभियान के कारण सिकंदर लोदी को इतिहासकार लोदी वंश के सबसे सफल और योग्य शासकों में से एक मानते हैं। सच्चाई यही है कि सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में एक लोदी और लोदी वंश के साम्राज्य का विस्तार जो किया था, तो दूसरी ओर प्रजा की हित में कई महत्वपूर्ण कार्यों को भी अंजाम दिया था। साथ ही साथ उसने देसी अफगान नवाबों पर भी प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रण भी स्थापित किया था। इसी के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो पर यहीं पे एंड करती हूँ, या अपने चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से सिकंदर लोदी के अन्य कार्य, प्रशासनिक कार्य के विषय में चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।